देखिए आप लोग, दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, और कितना ज़्यादा कुहासा है आप लोग देख सकते हो, कितनी ज़्यादा मतलब ठंड बढ़ गई है। सुबह के टाइम में पास में ही नहीं दिखता, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो ममता तिवारी ऑफिशियल चैनल में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो एंड तक देखा करिए। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सिंपल सी हमारी वीडियो रहती है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, हमारा भी $10 कंप्लीट हो जाए। जो तो वही हम गए थे थोड़ा, 25 दिसंबर को जो है मंदिर, ये छतरपुर से लगभग 22 से 23 मिनट लगता है अगर आप पर्सनल ऑटो बुक करते हो तो। बड़े मंदिर उसको कहते हैं, और उसमें जो है गुरु जी हैं और शिवलिंग है भोलेनाथ का, जो वहाँ वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है, और तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया था। बिल्कुल रास्ते का हमने थोड़ा सा लिया, अगर चाहते तो बाहर का बहुत हम ले सकते थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया हम कि जैसे थोड़ा सा भी नहीं अलाउ है तो रहने, मतलब नहीं अलाउ है तो हम नहीं बनाएंगे, मेरी यही इच्छा थी। तो इसीलिए हमने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाए, लेकिन हम थंबनेल में लगा देंगे कि कहाँ गए थे, कौन सी मंदिर थी, थोड़ा सा हम लगा देंगे आप लोग ताकि मालूम हो। और उस मंदिर की काफ़ी मतलब वो है लोग, और वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, दर्शन आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, कहने को कोई मतलब वो नहीं है। भीड़ भाड़ तो है, रहती है, भीड़ रहती है, लेकिन सुबह से ही दर्शन होने लगते हैं। चढ़ता वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ आप दर्शन करो और बाहर निकलो। जो सुबह के टाइम में जाता है तो उसे जो है दर्शन करने के बाद आपको बैठा के एक चाय, लड्डू और एक ब्रेड पकौड़ा आपको नाश्ते में दिया जाता है। जो 11 बजे तक दर्शन करता है उसको खाना दिया जाता है। उसके बाद बीच में मंदिर बंद रहती है, फिर जो है शाम को 5 बजे से खुलती है। तो ये रिटर्न टाइम का कुछ इस टाइप का व्यू था बाहर का, जैसे लग रहा था गांव की फीलिंग एकदम आ रही थी। सरसों वगैरह थे उधर साइड, तो हम कहे बाहर का थोड़ा सा लेते हैं। और यहाँ देखो सरसों, पैदल ही हम थोड़ी दूर चल रहे थे ऐसे घूमते घूमते, क्योंकि सुबह सुबह दर्शन हो गया था। तो उसके बाद आने के बाद हमने आंवले का अचार बनाया था। आंवले की अचार बनाने की विधि आप लोग भी स्टार्टिंग से हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने आंवले को धुल के अच्छे से रख दिया था, ये उबल रहा था, और ये हमारा आधा केजी आंवला था। इसमें से एक दो आंवला हमने खा भी लिया था, हमें कच्चे आंवले खाने का टेस्ट हमें अच्छा लगता है, पसंद है। उसके बाद इसमें हम हरी धनिया लिए थे, हरी धनिया में हम जो है लहसुन, हरा धनिया, हल्दी, काली सरसों और मिर्च, थोड़ा सा अदरक, इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में, थोड़ा बहुत बारीक नहीं, हल्का सा ऐसे दरदरा पीसना है जैसे बारीक हो जाए कुछ इस टाइप का। तो उसके बाद हमने इसी में हल्दी भी डाल दिया है। उसके बाद इधर हमारा आंवला पक के रेडी हो गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसको हमको पक जाएगा तो ये फूट जाते हैं आंवले आपके, तो इसको हमको इसके अंदर के बीज सारे निकाल लेने हैं हाथ से। तो हमने सारे बीज निकाल के रख दिए थे, आप लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए कुछ इतने से आंवले का हमने जितना बीज निकला है इतने ही आंवले का अचार हमने बनाया है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो हमने गरम ही आपको बनाना है, इसको ठंडा नहीं करना है, क्योंकि जो मसाला हम ऐड कर रहे हैं ये पिसा हुआ ही ऐड कर रहे हैं, इसमें भूंजा ऊंजा कुछ नहीं है। उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक ले लिया था, तो इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, ये भी अच्छा टेस्ट रहता लगता है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा आंवले का अचार बन के रेडी हो गया। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हो तो लगभग 20 से 25 दिन तक चलता है, अगर आप बाहर रखते हो तो 1 हफ्ते में आप इसको खा के ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि हमें इसको कच्चा ही बनाए रहते हैं। आप इसको कांच की किसी डिब्बे में थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको जो है अंदर